बहुत बहुत अच्छा है. ऑल द बेस्ट टू विवेक. आई हैव एक्चुअली वो कुछ साल से लाइक आई नो हिम वेरी वेल एंड लाइक माई ब्रदर एंड उसके लिए बेस्ट विश करता हूँ कि अच्छा अभी जो गाने सुने अच्छे लगे और मेरे को जो पहले भी सुना है अच्छे लगे. आई विश हिम ऑल द बेस्ट. और ख़ास तौर से ये एक बहुत ही खुददार किरदार है बिरजू का जो कि अपने आप में जीता है. माधुरी वीना मलिक जिन्होंने प्ले किया है माधुरी का कैरेक्टर जो प्रोस्टिट्यूट का एक कैरेक्टर है उसको रात में ऑटो में घुमाता है. वो अपना बिजनेस करती हैं ये अपना बिजनेस करता है इनको कुछ लेना देना नहीं लेकिन खुददार इंसान है. इज्जत के साथ जीता है अपनी वाइफ के लिए पैसे कमाने उसको एक घर देना है. जो चौल है जो सुप्रिया कुमारी ने कैरेक्टर प्ले किया उसको एक घर देना है अच्छा सा उसके लिए मेहनत करता है. लेकिन हाँ उसका ये डायलॉग भी है अगर कोई उसको ऑफर करता है पैसे देने के लिए तो वो बोलता है कि अगर भड़वागिरी करनी होती तो नीचे ऑटो रिक्शा नहीं होंडा सिटी होती. तो ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये कितनी अच्छी फिल्म बनाई इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई. ऐसा सिनेमा आज समाज के लिए ज़रूरत है. ऐसा सिनेमा बनना चाहिए और बहुत मज़ा आया इस फिल्म को करने के बाद. और इन फ्यूचर मैं चाहूँगा मुझे ऐसे ही ज़मीन से जुड़े हुए किरदार मिलें ना कि कसाब जैसे जो कि एक बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही वैसा आदमी था दुनिया का सबसे बोलते ना दुश्मन जो एक घृणा वाला पात्र वो अब मुझे ज़िंदगी में नहीं करने हैं. बहुत मज़ा आया बिरजू का किरदार करके और चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी में ऐसे किरदार करता रहूँ ऐसे ऑफ़र आएँ और ऐसे किरदार करूं और लोगों को एंटरटेन करूं. I already said in my music life started with Pritam. I came here only no one is there with me. I knew many music directors I was close with but I only took Pritam as my brother and he guided me throughout this as brother. जब गाने ये गाने बन रहे थे I asked him singer किसको लूं किसके लिए. He used to send me marquee ये XYZ singers. So I went according to him and it was just because of him I could do these songs. क्या है ना इस म्यूज़िक के अंदर की बात होता है उसके उस पर अंदर की अंदर म्यूज़िक है इसका. सो ऑब्वियसली आई होप ही डू वेल एंड माई फुल ब्लेसिंग्स इज विथ हिम. दैट इज माई फुल गुड विशेज आर विथ हिम. एंड कभी भी कुछ है तो मैं ऑब्वियसली एज अ एल्डर ब्रदर आई गाइड हिम म्यूजिकली ऑल्सो. बट जो म्यूज़िक है ये खुद का म्यूज़िक है कम्प्लीटली वो जो लाइक इट इज़ ओन कैपेबिलिटी एंड I am just there to just say अच्छा है बुरा है कभी और but ये बहुत बहुत अच्छा लगता है. I think it's rather realistic truth than the bold character I would say क्योंकि माधुरी का character एक imaginary character नहीं है एक real character है जो इस वक्त भी मुंबई में शायद इस वक्त दिल्ली में मौजूद है. और मैं समझती हूँ कि मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी राजीव रुइया जी का जिन्होंने मुझ पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया क्योंकि इस तरह के एक्सपेरिमेंटल रोल्स या इस तरह के कैरेक्टर्स जिसमें एक एक्टर की बहुत ज़्यादा डीप इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है उसके लिए उन्होंने मुझे करियर के शुरू में ही मुझ पे इतना ट्रस्ट किया. आई थिंक दिस कैरेक्टर इज़ रादर रियलिस्टिक देन बोल्ड. ये एक लड़की की सच्ची कहानी है और आई हैव गिवन माई मोर देन 100% एंड थैंक्स टू माधुरी जो कि कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ बट थैंक्स टू द गर्ल माधुरी जिनसे मेरी मुलाकात हुई और जिन्होंने अगर शायद मैं माधुरी से नहीं मिलती तो ये कैरेक्टर मैं इतनी खूबसूरती से नहीं निभा पाऊँ. जिंदगी 50-50 के म्यूजिक रिलीज पर राजीव रुइया जी को और पूरी कास्ट को बहुत बहुत मुबारकबाद. मैं राजीव जी के साथ एक दूसरी फिल्म माय फ्रेंड गणेशा पार्ट 4 में काम कर रहा हूं और उनके साथ काम करने का जो मेरा तजर्बा है बहुत ही कमाल का है. ही इज़ अ वेरी सेंसिटिव फिल्म मेकर और बहुत ही संयम के साथ बहुत ही सोच समझ के बहुत ही सहजता से फिल्म बनाते हैं. और आप सभी ने देखा होगा जो प्रोमोज देखे ये फिल्म 50-50 इसके डायलॉग्स कमाल के हैं सिचुएशंस कमाल की है कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है. तो माय बेस्ट विशेस टू द एंटायर टीम. आई एम श्योर दिस फिल्म विल डू वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस. नो आई लव ऑल दीज थ्री खान्स बीट आमिर खान और शाहरुख खान और सलमान खान एंड ऑफ कोर्स इट वुड बी ग्रेट इफ आई गेट अ चांस टू वर्क विद देम. मगर आई थिंक वीना मलिक अगर इन तीनों खान्स के साथ काम भी नहीं भी करेगी तो वीना मलिक विल रिमेन वीना मलिक. बिल्कुल अलग
लग नहीं, अगर सच बोलूं मैं फिर एक बार इंस्पेक्टर, मैं हर बार एक इंस्पेक्टर या पुलिस वाले का रोल करने के बाद ऑलमोस्ट कसम खाता हूं कि अब कुछ दिन कुछ महीनों तक मैं पुलिस वाले का किरदार नहीं करूंगा, बट इतना मोर देन ऑफन पुलिस वाले के किरदार आते हैं मेरे पास, तो जब 5 में से कौन सा बहुत दी बेस्ट एक पुलिस वाले का किरदार है वो मैं करता हूँ। तो इसमें मुझे जब इन्होंने कहा कि नाम ही इंस्पेक्टर का नाम ये है कि इंस्पेक्टर रमाकांत रांगोजी पवार, तो मैं प्यार में पड़ गया उस किरदार के नाम से, तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। और इतना मज़ेदार किरदार है, मज़ेदार मतलब उस तरह से नहीं, लेकिन एज एन एक्टर जो करते वक्त जो मज़ा आता है, लीचड़ आदमी है, बहुत ही घटिया आदमी है, पागल है माधुरी के प्यार में जो वीना प्ले कर रही है, और जिस तरह से लिखी हैं डायलॉग्स, जिस तरह से लिखे हैं, बहुत मजा आया करते वक्त। सो लाइक आई सेड, दैट वाज वन प्राइमरी रीजन व्हाई आई डिड इट। और राजीव के साथ मैंने माय फ्रेंड गणेशा पार्ट 4 में भी एक और फिल्म की है, पार्ट 4 जो बनी है। तो जब डायरेक्टर फोकस्ड हो, जब डायरेक्टर को पता है कि ये किरदार इस तरह से बात करेगा, इस तरह बिहेव करेगा, तो मुझे लगता है एज एन एक्टर काम बहुत आसान हो जाता है। तो राजीव को पता था क्या करना है फिल्म में हर सीन के साथ, तो बहुत इजी था काम, बहुत मजा आया। और जैसे मैं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह लोगों को भी उतना ही मजा आएगा देखते।